बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, इट्स अबाउट लेसन प्लानिंग। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, जिनके साथ ये इश्यूज आ रहे हैं कि हाउ टू जस्ट डिज़ाइन एन आइडियल लेसन प्लान। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक जो कि मुझे मेरे नॉलेज में आई, या मैंने जो है बेंजामिन ब्लूम्स की जो बुक्स पढ़ी हैं कॉग्निटिव लेवल्स पे, उनको मैंने बहुत थॉरली स्टडी करने के बाद आई है जस्ट प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन, एंड आई गॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम द बुक, एंड इवन आई जस्ट गॉट मैनी आइडियाज़ टू इन्हांस the knowledge in your classroom, like how you can just utilize or how you can just convey your thoughts to the students through the lesson plan. और lesson plan जो है वो सबसे important चीज़ क्या होती है, lesson plan है क्या चीज़ और इसके बारे में और किस तरीके से हम इनकी तमाम stages को cover करते हैं, this is the important thing and I'm just going to explain everything in my video. Video थोड़ी सी lengthy हो जाएगी, but I will try to make it easy for all the people जिन लोगों को English में शुरू आता है, जिनको समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्या है। मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई टू टीच, आई विल ट्राई टू कन्वे माई मैसेज इन ईजी वर्ड्स। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द स्टेजेस, कॉग्निटिव स्टेजेस, देन यू कैन जस्ट क्रिएट एन आइडियल लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी हाईलाइट्स की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट इज बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस प्रेजेंटेशन। दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास ये होती है कि हम जब क्लास में जाते हैं तो वी नीड टू नीड अ लेसन प्लान, हमें एक लेसन प्लान लाजमी चाहिए होता है। और उस लेसन प्लान को जब आप यूटिलाइज करते हैं क्लास में या नहीं भी करते, बट इफ़ द टीचर इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द 40 और 45 स्टूडेंट्स, टीचर विल फील कॉन्फिडेंट एंड ईजी बिकॉज टीचर हैज़ ऑल द आउटलाइंस इन फ्रंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फाइल, उनके पास एक आउटलाइन मौजूद है और उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी वो चीज़ हो जाती है अगर आपके पास आपका लेसन प्लान है। तो सबसे पहले जो द फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान है क्या चीज़, सॉरी लेसन इज अ लेसन प्लान, ग्लिम्सेस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। थोड़ी सी हम जो बात करेंगे वो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, बिकॉज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ अ बेसिक थीम, इट प्रोवाइज द बेसिक थीम to enhance the knowledge and to deliver the knowledge in your classroom, and how you can convert your thoughts, how you can just transfer your thoughts, you can say, into the student's mind in an easy way or in ke understandable way, right? To glimpses of Bloom's taxonomy pe baat karte hain aur uske baad hum baat karenge revised Bloom's taxonomy, uske baad jo aayi hai hamare paas nayi taxonomy, jo ki kyunki jaise jaise daur badalta hai, jaise jaise रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, यू सी के आपको चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है, यू नीड टू अपडेट द थिंग्स। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ द बेसिक थिंग, एंड आफ्टर दैट रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें थोड़े से हमारे जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं। एंड पर्पज़ ऑफ़ योर लेसन प्लान, हमें क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरत पेश आती है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट वॉट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। अगर आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखते हैं तो आई होप सो कि आप एक अच्छा लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, थ्रू द इंटरेक्टिव लर्निंग, बाई यूजिंग द मल्टीपल मैथडोलॉजीज, बाई नोइंग द मैथडोलॉजीज और ब्लूम्स के वर्ब्स के बारे में जानकर। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचर्स। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट what is lesson plan first of all. मैंने एक precise definition लिखी है, I am just going to explain it, I am just going to read it. Lesson plan is a process of preparing and organizing the content, activities and resources for a specific educational session or class. It involves outlining the objectives, जो कि बहुत ही ईजी बात इसमें की गई है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को, जो भी आप अपनी करंट कला, जो भी स्पेसिफिक एक सेशन है आपका एजुकेशनल, जस्ट लाइक यू आर द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड यू आर जस्ट गोइंग टू कंडक्ट योर सेशन, तो दैट इज़ इट मीन्स स्पेसिफिक एजुकेशनल सेशन यू आर गोइंग टू हैंडल नाउ। तो आपको उसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रिपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्टेंट, एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज फॉर द स्पेसिफिक एजुकेशनल सेशन और आपकी क्लास, इट इन्वॉल्व्स आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स, मीन्स आपने जो जो करना है, जो आपके पर्पज़ हैं जो भी, उनको आप आउटलाइन करते हैं थ्रू द लेसन प्लान, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। वॉट इज़ टेक्सोनॉमी, बेसिकली टेक्सोनॉमी जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें वी जस्ट डिवाइड द थिंग्स
into multiple steps according to the mental level of the learner. आपका mental level, जो learner का mental level है वो क्या है, या आप किस तरीके से अपनी चीज़ को divide करके, किन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं when we talk about the algorithm of anything, तो वहाँ पर ये होता है कि the definition of algorithm is just when you divide a problem into multiple steps to make it easy to find out the exact cause of the problem, cause of the error. We divide the things into multiple steps. The same thing is with taxonomy. Taxonomy is a process to define categorizing science. Science ka matlab yahan par knowledge diya gaya hai. Into the conceptual group. By using systematic approach, it divides the concepts in steps and stages according to the mental levels of human thought to understand anything. Whatever you are going to put into your students' minds, you are just, first of all, you are going to divide it into multiple steps so that the students can understand whatever you are going to do in your classroom or whatever your agenda and strategies to deliver your knowledge successfully in your classroom. And then the next thing is, here is the title of the book you must read if you are the part of any educational system and you think that you want to be a successful educator and you want to be a confident educator. You need to read this book first of all, because it's not too much, matlab bahut zyada iske pages nahi hai, I think 145 43, ya iska editions bahut sare hain. To aap kisi bhi edition ko agar aap book 1 uthate hain, cognitive domain padhte hain, to aapko bahut sari cheeze clear हो जाती हैं कि what basically the themes are to just improve the system of education, transferring knowledge. Basically हमारा जो purpose होता है वो we transfer the knowledge to the student, but we never get back the knowledge as we deliver the students. तो हमें चाहिए कि हम जिस तरीके से दे रहे हैं बच्चों को, हमें चाहिए हम उस level से, आप नीचे जो pictures देख रहे हैं, इसकी pictures बहुत ही interesting किस्म की pictures हैं, you can see ये तमाम जो आपको दिए गए ना इसमें आप के लिए मैसेजेस हैं. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री जाके गूगल से, और अगर आपको जो है वो ये बुक रिक्वायर्ड हो, आई हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक एंड यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी. मेरा नंबर एक्चुअली मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस के अंदर दिया गया है. मैं इसलिए दे रही हूँ कि मतलब ओपनली मैं नंबर नहीं देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कुछ लाइक दे डोंट वॉन्ट द एजुकेशनल मटीरियल, दे जस्ट ट्राई टू जस्ट इन टच विद और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है. सो दैट इज़ व्हाई आई जस्ट डोंट पुट माई नंबर ऑन, वरना मैंने कुछ वीडियोस के अंदर जो है वो हिडन वे में अपना नंबर दिया हुआ है, ताकि वो लोग जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनके लिए कुछ प्रॉब्लम होता है, यू कैन जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन. और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर दैट वीडियो ऑन दैट टॉपिक. सो नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग. रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे सामने आती है, तो हमें इसमें क्या चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज बेसिकली द रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम इज अ पर्सन इन एजुकेशनिस्ट, यू कैन से दैट he just developed all the rules, and you can see the books of Bloom's in many way but related to the education. Our structure of education is designed on the base of Bloom's taxonomy. कब किया गया था रिवाइज, इन सेप्टेम्बर 2021 बेंजामिन ब्लूम्स रोट अ बुक टू सेट द रूल्स ऑफ एजुकेशन, दैट हाउ टू कन्वे योर मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स इन मल्टीपल वेज बाय चेंजिंग द यू कैन से योर ओल्ड मेथोडोलॉजीज इन टू न्यू वन. सो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का यहाँ पर, हेयर यू कैन सी द स्टेजेस ऑफ द रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. वी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स, जिनको हम लॉट्स के नाम से भी जानते हैं, एंड द हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स आर हॉर्ट्स. और इन्हीं लोअर से हॉर्ट जो है वहाँ तक हम अपने डी एल ओज प्लान करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज रिमेंबरिंग, द सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट. के लास्ट पे जब आप एक पीक पे जाते हैं, यू विल फील दैट योर स्टूडेंट इज एबल टू क्रिएट समथिंग व्हाट यू हैव टॉट इन योर क्लासरूम. सो सबसे पहली चीज हमारे पास
सबसे जो पहली चीज़ है टू नो ऑल दीज स्टेजेस लेट हाई हाउ वी ट्रैवल थ्रू आवर नॉलेज फ्रॉम लॉस टू हॉट. सो जस्ट कीप इन योर माइंड, जस्ट रिमेंबर ऑल दीज स्टेप्स. जस्ट फर्स्ट वन इज रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट. सो लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली नेक्स्ट. ब्लूम्स वर्ब्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मोस्टली पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, दैट व्हाट आर द वर्ब्स एंड व्हाट आर द वर्ड्स वी नीड टू यूज इन द डीएलओज व्हाइल यू क्रिएट create an ideal structure of your DLO. So they always forget to write the correct word in the lesson plan. And do you know well that the DLO is the most important element of your lesson plan. It's just the start of your lesson. If you just create an ideal DLO, you can just create your whole lesson, because your whole lesson depends on, works on your DLO. So I will tell you that how you can create the DLO and how you can just justify your lesson plan, justify with your lesson plan that how to manage the DLOs in all the stages, by covering all the stages, by involving that DLO in all stages as the most important thing. First of all, Bloom words. Let's know what are the Bloom words and which stages we are covering through the multiple Bloom's verbs, and कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम Bloom verbs को utilize कर सकते हैं. So just move ahead. First of all, the first stage is remembering, is used to recall information like list, define, you know, all other verbs in the list. अब इसमें वर्ब्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ये वाले वर्ब्स जो हैं वो रिमेंबरिंग स्टेज पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और ये तमाम वर्ब्स जो हम DLOs क्रिएट करने के लिए हमेशा हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो DLOs को जो है वो क्रिएट करेंगे और हम किस स्टेज पे जा रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज चूज, पॉइंट, मेमोराइज, लिस्ट, रिपीट, स्टेट, ओमिट, आइडेंटिफाई, कोड, ड्रॉ, आउटलाइन. ये तमाम DLOs हैं. यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट इन व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर लेसन प्लान. These Bloom words will help you to create your ideal DLOs according to the stages. Next stage पे जाते हैं, तो next stage is understanding. And understanding का मतलब ये होता है कि इस स्टेज पे आप क्या जो है एक्सपेक्ट करते हैं और वो क्या आप एक्सप्लेन करते हैं. कॉम्प्रिहेंड मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कि बच्चों को उस तरीके से आपने डील करना लाइक दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टीचिंग दैम एंड व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट एंड थीम ऑफ योर टीचिंग. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द सेकेंड लेवल. एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द Bloom's words regarding related to the understanding. यहाँ पे आप देख सकते हैं, here you can see the classify, extend, infer, express, interpret, restate. इस तरीके से ये तमाम जो हमारे पास हैं ये Bloom verbs हैं जो कि हम अपने second DLOs के लिए, second जो stage है उसके DLOs के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमारे टीचर्स नॉर्मली एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन, नो. तो ये सब तमाम चीज़ें बेसिक हैं, बट आप बच्चों को क्रिएशन की तरफ अगर लेके जा रहे हैं तो क्रिएट द DLOs अकॉर्डिंगली. आप उनको उस तरीके से इस्तेमाल करें. यहाँ पे हमारे पास है लेवल थ्री पे जो है आपके स्टूडेंट को इस काबिल होना चाहिए कि वह अप्लाई करें और आप अपने लेसन प्लान में इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं. यूजिंग नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन लाइक डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आती हैं वो आपके डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं उनको, एंड देन यू अप्लाई द थिंग्स. और इस लेवल को अगर आपने अपने DLO में यूज करना है तो यू नीड टू यूज द Bloom verbs like these Bloom verbs: apply, choose, dramatize, explain, generalize, judge, organize, paint, and prepare. And all these are used to create the DLOs if you are using the applying technique. Then level 4 is analyzing. Analyze का मतलब होता है यहाँ पे break down information into parts and relationship like compare, contrast, and categorize. यहाँ पे students की वो skill आप जो है वो develop करते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि students जो है वो इन तमाम चीज़ों को, means they can compare the two theories, compare the two ideas and contrast the ideas, के एक के साथ दूसरे का comparison कर सकते हैं, and categorize, multiple same categories को एक list में जो है वो define कर सकते हैं कि ये जो category है ये हमारी एक list की है. So this is your analyzing skill. Then is level 4 is analyzing skill. ये आपके जो हैं इसके तमाम जो ब्लू वर्ब्स हैं, हेयर यू कैन सी एनालाइज, कैटेगराइज, क्लासीफाई, कंपेयर, डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई, इन्फर, पॉइंट आउट एंड सेलेक्ट. कुछ ऐसे बहुत सारी DLOs में हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो पहले भी किसी पीछे जो है वो उसमें फर्स्ट स्टेजेस में भी आ चुकी होती हैं. इसका मतलब ये होता है कि आप इनको मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से एक्सपेरिमेंट करके यूज़ कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़
your fifth one. Here we are working with the level 5, it's evaluating. अब हम हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो इट्स द डेफिनेशन ऑफ द इवैल्यूएटिंग इज मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी लाइक असेस क्रिटिक एंड जस्टिफाई. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो वर्ड्स की सिलेक्शन है इट्स ऑल्सो मूविंग टू वर्ड द हाई लेवल. सो द नेक्स्ट थिंग इज हेयर यू विल फाइंड सम Evaluating bloom verbs, appraise, judge, criticize, defend, compare, assess. और देख सकते हैं कि ये थोड़े कम हो सके हैं, but you can add more if you feel that your DLO is not according to them. You can just add more bloom's verbs related to the evaluating term. You just go to the Google and find out evaluating bloom verbs or more verbs you can just add in it. Level 6 is a creating and that is the highest level of your cognitive skills. Cognitive और यहाँ पे आप देख सकते हैं the last one is a creating. The just like you are just creating a new thing, your students will be able to create something. So generating new ideas or products like design, compose and event. Event is a combination of multiple tasks, accomplishment of multiple tasks. So creating से related हमारे पास यहाँ बहुत सारे रियलोज आएंगे जिसमें आपके पास देखें इन्वेंट है, रोल प्ले है, एक्सप्लेन है, प्रोड्यूस है, प्रपोज है, रीराइट है, डिवाइस है, कंपोज, डू, प्रिस्क्राइब, ओरिजिनेट, टेल, जनरेट, रीअरेंज, ट्रांसफॉर्म, कंस्ट्रक्ट, फॉर्म्यूलेट, ऑर्गेनाइज, कंपाइल, ग्रुप, रिकंस्ट्रक्ट, क्रिएट, हाइपोथेसाइज एंड प्लान. नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान. अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि हमारा लेसन प्लान स्टार्ट हो गया है कि दैट इससे पहले जो चीज़ें आई होप कि अगर आप मेरी वीडियो को दोबारा देखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मैटर. कि आपको लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेजेस जानी है, उसके बाद उन स्टेजेस से रिलेटेड ब्लूम वर्ब्स को जानना है. सो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान है कि हम लेसन प्लान का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन करते हैं. सबसे पहला जो पोर्शन होता है दैट पोर्शन इज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर सब्जेक्ट, योर टॉपिक नंबर लाइक. मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पर ऐड किया है, यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ आई हैव एडेड. मेरे पास प्रीवियस ईयर का जो है वो लेसन प्लान है और इसी को राइट नाउ वी आर जस्ट nowadays we are just making the handwritten lesson plans but the format is same. मैं आपको handwritten जो lesson plan है वो भी इंशाल्लाह ताला आई विल जस्ट अपलोड द ब्रीफ वीडियो अबाउट द क्रिएशन ऑफ लेसन प्लान इंशाल्लाह वेरी सून. बट handwritten किस तरीके से आप बना सकते हैं. डेली लेसन प्लान में आपका एकेडमिक सेशन है 2022 and 3, प्लानर नंबर आपका 24 है. जैसे मैंने 24 प्लान जो हैं वो बनाए थे लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो वाला रिलेटेड टॉपिक वो कॉन्टिन्यू है 25 पे, तो आई विल राइट कॉन्टिन्यूड ऑन द planner number 25. Means I am unable to accomplish the topic in just one period, so I'm just dividing it into 25 periods, and if I have still the in position to explain, so I will just add the continued on the planner number 25, then week number 14, developed by FTC Rafiki. You write down your names of your colleges and teacher. Maine yahan pe ye likha hai, phir date jo jis date ko aap lesson deliver kar rahe hain, do write that. Aur uske baad aap computer science jo hai, lekin aap jo date likhenge na wo aap tab likhiye when you have delivered that lesson, ki aapne wo lesson usi date ko deliver kiya hai. Sometimes aap kisi chutti ki wajah se ya kisi bhi wajah se aap nahi de pate ho, so don't write the date there. तो आप या फिर आपको वन वीक की छुट्टियां जैसे हो गई हैं तो आपका वो वाला वीक जो है वो नेक्स्ट में चला गया, तो don't write the date. जब आप अपनी क्रिटिकल इवेल्यूएशन लिखने के बाद when you just go to the sign, जब आपको साइन चाहिए होते हैं, at that time do write the date there. सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से क्लास 8 है, पीरियड का टाइम है 40 मिनट्स एंड समटाइम 30 मिनट्स भी होता है, 35 भी हो जाता है, तो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली. इसको भी जो है वो कोशिश करें कि डू राइट विद द बॉल पॉइंट. अभी आजकल तो खैर हम सब कुछ ही बॉल पॉइंट से या पेन से लिख रहे हैं. यूनिट नंबर 4 है और उसका टॉपिक है पाइथन. सब टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ कॉम्प्लेक्स शेप, पेज नंबर 121 to 123 वी आर गोइंग टू कवर दिस. तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पोर्शन, हमारा पहला पोर्शन जो लेसन प्लान का, आप उसको इस तरीके से फिल करेंगे. आई होप को आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पे चलते हैं,
the most important part of your lesson plan is a lesson objective and learning outcomes. तो ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने lesson plan को जो है वो design करेंगे, DLOs को design करेंगे. तो first of all, DLO at the desired learning objective for education in a lesson plan typically outline what students are expected to learn or achieve by the end of the lesson. कि students जो हैं वो end पे क्या सीखते हैं, ये हमारा purpose है इसको, और पूरा और desired learning objective बोलते हैं इसको. These objectives are specific, measurable, achievable, relevant and time bound. तो in other word we know these terms as a SMART. अगर हम SMART को याद कर लेंगे, S से जो है वो हमारा specific है, measurable है means एक ही subject है, एक ही topic है, उसी को हम जो है वो define कर रहे हैं एक ही lesson plan के अंदर. And the measurable है completely not out of bound है. और उसके बाद achievable है कि जो आप काम कर रहे हैं आपको लगता है कि you can just achieve in 40 minutes, within 40 minutes. And relevant है आपके topic से related है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी out of syllabus या कुछ ऐसी नहीं है कि जो आपके topic से हट जा रही है. एक ही लेसन प्लान का टॉपिक है, आप तमाम स्टेजेस में उसको रिलेट करके यू आर जस्ट गोइंग टू मेक इट. टाइम बाउंड है आपका, 40 मिनट है, उसी के अंदर आपने करना है. तो इसको हम, इस टर्म को हम वी ऑलवेज नो अबाउट द स्मार्ट. नेक्स्ट में चले जाते हैं. यहाँ पे दे सर्व एज, ये करते क्या हैं, गाइड फॉर टीचर्स टू डिज़ाइन देयर इंस्ट्रक्शंस. आपने जो भी कराना है उसकी इंस्ट्रक्शंस को गाइडलाइन के लिए, टीचर के लिए ये चीज़ जरूरी है DLO. देन फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम. स्टूडेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू टीच, और एंड में क्या आपकी तमाम एक्सपेक्टेशंस या स्टूडेंट्स की तमाम एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हुई हैं, जैसा आप चाहते हैं आपने वैसा बना लिया है इसको. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड ग्रेड level. In next slides we will find the methodology to craft an ideal DLO. So sabse pehle student will be able to identify the 3 primary state of math and describe their characteristics. Yahan pe maine identify ka word use kiya hai, aapne sirf check karna hai ki ye bloom verbs mein cognitive level pe kis cheez kis pe aata hai, kaun se wale level mein ye fit hota hai. फिर एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन हाउ चेंजेस क्वेश्चन. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो भी साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के जो भी मैंने लिए, आपने जस्ट फर्स्ट वर्ड को चेक करना है कि व्हाट फर्स्ट ब्लूम वर्ब जो है वो आपने किस वाली स्टेज से उठाया है, और आपने उसी लेवल का लेसन प्लान डिज़ाइन करना है. एंड देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू क्लासीफाई. डिमॉन्स्ट्रेट इज़ अ वर्ड हेयर एंड कंपेयर यहाँ पर यूज़ किया है. इस तरह से थाउजेंड्स आप DLOs क्रिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग द डिफरेंट ब्लूम वर्ब्स. यहाँ चले जाते हैं तो आपको डिज़ाइन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर दिया गया है हमने. क्रिएशन लेवल पे आता है ये. असेस जो है वो देख लें कहाँ पे आता है, इवेल्युएशन में आता है आपका. देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिवाइज क्रिएट अ स्टोरी, क्रिएशन लेवल. एंड द डिफाइन, डिफाइन में देखें कहाँ पे ये चीज़ आती है आपकी. नेक्स्ट इज योर एनालाइज, एंड देन आपका क्रिएट. इनके नेम के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉग्निटिव लेवल है. यहाँ पर इवेलुएट है एंड डिज़ाइन है, देन आइडेंटिफाई एंड देन अंडरस्टैंड, कंपोज, डिवेलप. तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो हैं वो DLOs में आते हैं, और इस तरीके से आप अपने DLOs को डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्यूरेट कीवर्ड, एक्यूरेट ब्लूम वर्ब्स. और ब्लूम वर्ब्स को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि अगर आप इसको हायर लेवल पे जाके अपना ब्लूम वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना लेसन प्लान की जो कंक्लूजन है वो वहाँ तक जाना चाहिए कि वाकई ही आपका जो लेवल है, जो वो हॉट्स है ना, वो हॉट जो है अकम्पलिश हुआ है. ये नहीं है कि हम हॉट से लॉट की तरफ आ जाएँ कि हम एक्सप्लेनेशन में रीडिंग करा रहे हैं या कुछ ऐसा करा रहे हैं. सो जस्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंगली. इसलिए DLO जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान. इफ़ यू जस्ट क्रिएट अ DLO एंड योर ओल लेसन इज अकॉर्डिंग टू योर DLO, देन यू कैन अचीव योर गोल एंड यू कैन जस्ट गेट then craft the better lesson plan accordingly. यहाँ पे आ जाते हैं स्किल्स की बात करते हैं हम लोग. अब नॉर्मली हमारे पास जो लेसन प्लान्स जो हम बनाते हैं तो उसमें हम ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि स्किल्स में नहीं आती हैं. समटाइम्स वी जस्ट राइट लाइक द स्किल इज लाइक लिसनिंग. लिसनिंग इज नॉट अ स्किल. लिसनिंग देखें, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. लिसनिंग में आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि लिसनिंग एक नेचुरल जो है आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हर एक को दी है. लिसनिंग ऑटोमेटिकली होती है. अब इट डिपेंड्स ऑन योर लेक्चर कि कुछ स्टूडेंट आपके लेक्चर को बहुत गौर से सुनते हैं एंड दे आर जस्ट अकम्पलिश टू जस्ट शो द लिसनिंग पावर कि आपकी लिसनिंग पावर सुना है आपको. कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपको सुनना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं मगर वो इग्नोर करना चाहते हैं. वो सुनते हैं तो, लेकिन आवाज़ सबके पास जा रही है आपकी.
द लिसनिंग इज नॉट योर नॉट स्किल. कौन सी ऐसी पोटेंशियल्स हैं आपके स्टूडेंट्स के अंदर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपकी एक एक्सपर्ट आई से अगर आप देखते हैं तो यू विल फील कि आपके वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आप फील करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है ना आपका, उसको वो ये वाली स्किल मैं उसकी उजागर कर सकती हूँ थ्रू दिस लेक्चर में, मुझे क्या करना है. तो हम स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा, एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग इज़ नॉट अ स्किल बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी मटेरियल मौजूद है. ब्रेन स्ट्रॉमिंग ये होता है कि हमने उनको अराइज कैसे करना है. अराइजिंग इज अ स्किल समथिंग, ब्रेन स्ट्रॉमिंग इज अ नेचुरल थिंग इन साइड द पर्सन. कि आपका ब्रेन स्ट्रॉम भी होता है या नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं बट समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट आर अनएबल टू स्पीक, उनके माइंड में बहुत सारे तूफान चल रहे होते हैं क्वेश्चंस के, बट दे आर अनएबल टू स्पीक बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. सो यू नीड टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल, जस्ट लाइक पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल. वो अच्छा बोलते हैं बट इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल दे आर अनएबल टू स्पीक बिकॉज उनको लगता है कि बहुत सारे लोगों के सामने हम शायद नहीं बोल पाएंगे. सो दिस स्किल यू हैव टू जस्ट इनकलकेट, यू कैन से आप उनके अंदर जो है वो शो दैम दैट जस्ट प्रेजेंट अनदर पर्सन. आपकी क्लास में जो बच्चा आता है वो एक और तरह से एक बच्चा आता है, एंड इफ द स्टूडेंट्स गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर क्लास वो एक अलग से बच्चा नजर आना चाहिए. दैट इज स्किल. कौन सी ऐसी स्किल है जिसपे आपका फोकस है कि मेरे इस लेसन प्लान में ये चीज़ जो है ना ये एक डिफरेंट चीज़ होगी जिससे बच्चे की ये वाली स्किल जो है वो डिवेलप हो जाएगी. स्किल्स सबके अंदर मौजूद है बट मल्टीपल, किस वाले बच्चे के अंदर क्या चीज़ होगी या ओवरऑल वेन वी टॉक अबाउट. तो यहाँ पर मैंने स्किल्स लिखी हैं जो आई होप कि आपको हेल्प आउट करेंगी इसमें. यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट थिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सोसाइटी में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है. हम इस पे फोकस ही नहीं करते. इवन एज अ टीचर हमारे पास एक क्रिटिकल इवेलुएशन का जो है वो नीचे पोर्शन आता है बट वी डोंट राइट एनीथिंग देयर. वी ऑलवेज राइट द पॉजिटिव थिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट अ नेगेटिव थिंग. क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि जैसे कि आप क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं, ये कॉमेंट्स क्या होते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें ये होती हैं कि अपनी अपनी राय को जब पेश करते हैं और नेक्स्ट पर्सन इज नॉट अग्री विद दैट, हमारा और दूसरे पर्सन का देखने का जो स्टाइल है किसी भी चीज़ को वो किस तरह से है, क्या वो आपको एक ऐसी चीज़ आप जिसको बहुत पॉजिटिव बताते हैं उसके अंदर से वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो उसकी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको निकाल के बाहर आपके सामने लेके आता है कि इस तरीके से भी हो सकता है, ये इसका ये भी बेनिफिट है अगर तो इसका लॉस ये हो सकता है. सो दैट इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू, इट्स रियली नेसेसरी इफ़ यू आर टीचिंग. बच्चा आपसे अग्री नहीं करता आप उसको सेटिस्फाइड करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग है. इफ़ यू जस्ट प्रेजेंटिंग समथिंग लाइक इन इक्वेशन एंड इन अ प्रॉब्लम एंड एन एक्सपेरिमेंट तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं. कम्युनिकेशन लाइक एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर शोइंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड टूवर्ड्स टू यू. आपके साथ बात करने का और दूसरे लोगों के साथ बात करने का या मल्टीपल कैटेगरीज के लोगों के साथ बात करने का तरीका क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से बात करते हैं बट समटाइम आप फील करते हो कि जो थोड़े से डाउन स्टूडेंट्स होते हैं लाइक वो बच्चे जो जल्दी पिक नहीं करते या फिर उनके फाइनेंशियल इशूज़ हैं या फिर उनकी अपीयरेंस नहीं, तो उनके साथ बात करने का तरीका क्या है. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. एंड देन कोलैबोरेशन, टीम वर्क में काम कैसे करना है, इट्स ऑल्सो अ स्किल. और क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाने हैं. इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उनके पास इवेल्युएट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्स क्रिटिकली, बहुत सारे सोर्सेज के साथ वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को. डिजिटल लिटरेसी जो है वो उसमें कंप्यूटर के टूल्स यूज़ करते हुए किस तरीके से वो इन्हांस कर सकते हैं अपने नॉलेज को. सेल्फ डायरेक्शन, इंकरेजिंग स्टूडेंट टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड सेट देयर ओन गोल्स. देन टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल. रिसर्च स्किल, किसी भी चीज़ बनी हुई चीज़ के ऊपर दोबारा से उसके ऊपर रिसर्च करके अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना. एडेप्टेबिलिटी एंड देन एम्पथी, प्रेजेंटेशन स्किल, कल्चरल अवेयरनेस, पब्लिक स्पीकिंग, एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. ये तमाम स्किल्स हैं जिनको हम अपने लेसन प्लान में स्किल्स फोकस ऑन में यूज़ कर सकते हैं. और उसके आगे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी, एक्सप्लेनेशन भी दे दी. नाउ आई थिंक आपको कोई भी इशू आता है तो आप अपने उन स्किल्स को जो है वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि व्हाट दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस. रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में मोस्टली जो है ना टीचर क्या करते हैं, दे यूज़ द वाइट बोर्ड. वाइट बोर्ड बेशक एक रिसोर्स है बट दिस इज़ रिसोर्स इफ़ यू आर अ टीचर एंड वी आर गोइंग टू टीच इन द क्लासरूम, यू हैव द वाइट बोर्ड. बेशक ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो आपके पास रिसोर्स है
इनफैक्ट द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स यू कैन से, बट आप इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए भी अपना रिसोर्स मटेरियल का जो बॉक्स है, कॉलम है, उसको फिल कर सकते हैं. लाइक टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस मटेरियल, कोई भी रेफरेंस किसी भी बुक से, प्रोजेक्ट एंड मल्टीमीडिया, एजुकेशनल वेबसाइट्स दे सकते हैं. आप उनको बता सकते हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना रिलेटेड काम ले सकते हैं. एजुकेशनल एप्लीकेशन हैं, आज थाउजेंड्स जो है AI टूल आए हैं आपके पास, एप्लीकेशन आई हुई हैं जिनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि यू कैन डू विजुअल एड्स, चार्ट, डायग्राम, पोस्टर एंड इन्फोग्राफिक्स. फिर मैनिपुलेटिव जो फिजिकल मटेरियल होता है, आप ज्योमेट्री का जैसे साइन या फिर किसी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो फिजिकली मौजूद हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं. लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज है, गेस्ट स्पीकर. अच्छा, यहाँ पे लोगों के माइंड में आएगा कि गेस्ट स्पीकर को रोज़ नहीं बुलाया जा सकता. गेस्ट स्पीकर आपके स्कूल के अंदर से भी हो सकता है. कोई ऐसा टीचर जो इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, यू कैन कॉल हिम एज अ कॉल हिम और हर एज अ गेस्ट स्पीकर. आप किसी बच्चे को बुला सकते हैं, किसी जूनियर क्लास में किसी सीनियर को बुला सकते हैं, यू कैन कॉल देम. एंड देन फील्ड ट्रिप. फील्ड ट्रिप का मतलब क्या है? यू आर जस्ट नॉट गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर बाउंड्री. You have the lawns, you have the labs, you have the computer lab, you have the library, and you have the administration offices where the administrators are doing work. तो आप ये तमाम चीज़ें भी फील्ड में काउंट कर सकते हैं. इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, क्लास में बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है वो चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं. लाइब्रेरी बुक्स. लाइब्रेरी बहुत बड़ा सोर्स है. यू जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी की बुक में सिर्फ लाइब्रेरी की ही बुक्स पढ़ी जाएंगी जो लाइब्रेरियन उनको असाइन करे. नो, आप अपने सब्जेक्ट में भी लाइब्रेरी ले जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, जस्ट कलेक्ट द मटीरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी. रीडिंग करने से उनकी जो एक तो रीडिंग की जो उनकी हैबिट है वो डिवेलप होगी, एंड सेकेंडली ये होगा कि दे विल फाइंड द मल्टीपल आइडियाज़ बाई यूजिंग द लाइब्रेरी एज अ रिसोर्स. आर्ट एंड क्राफ्ट का मटीरियल है. आर्ट का पता है आपको, मल्टी पेंटिंग्स आ जाती हैं बहुत सारी. क्राफ्टिंग में जो चीज़ें आप रीयूज़ करके चीज़ों को बहुत अच्छी अच्छी सी बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें भी आपके रिसोर्स मटीरियल में आ जाती हैं. अब नेक्स्ट चीज़ है, इट्स अ मैथडोलॉजी. तो मेथडोलॉजी पे हम बात करते हैं नाउ. एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी जो है वो बेसिकली इसके आगे कुछ पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स हैं. मेथडोलॉजी को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विच थिंग्स यू आर गोइंग टू बिल्ड अप द स्ट्रक्चर ऑफ योर लेसन प्लान. तो यहाँ पर मैं कुछ वैसे मेथड्स बताती हूँ आपको मेथडोलॉजी के, कुछ कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको आप माइंड में रख के यू कैन जस्ट मेक योर लेसन प्लान एंड योर क्लासरूम डिज़ाइन द क्लासरूम स्ट्रेटजीज. लेक्चर बेस्ड मेथड है, एक्टिविटी लर्निंग है, फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम है. फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में एक वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर शायद मौजूद हो, आप देख सकते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और सोक्रेटिक मेथड है, गेम बेस्ड लर्निंग है, इंटरैक्टिव एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है. ये तमाम मेथड्स हमारे पास मेथडोलॉजी में, टीचिंग की मेथडोलॉजी में आते हैं. ये बेसिक मेन है कुछ हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको शॉर्ट वे में आप यूज़ कर सकते हैं, अपने माइंड में एक स्केच बना सकते हैं कि आप इस लेसन में यू आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथडोलॉजी एंड यू आर जस्ट गोइंग टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट इन थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज़ और थ्रू सम प्रोजेक्ट्स और थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. ये आप पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मेथडोलॉजी के कुछ जो पोर्शंस एलिमेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले है प्रायर नॉलेज, है कि आप अगर लेसन दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपकी प्रायर नॉलेज, चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वो किस लेवल पे अभी मौजूद हैं ताकि हम नेक्स्ट के लिए मूव कर सकें. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेनेशन है. थर्ड वन इज एक्टिविटी एंड द फोर्थ वन इज रैप अप. इनको वन बाय वन आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ. सबसे पहले जो है वो प्रायर नॉलेज की बात करते हैं. प्रायर नॉलेज होता क्या है, यहाँ मैंने एक बहुत ही अच्छी एक डिज़ाइन जो डेफिनेशन है वो डिज़ाइन की है, और उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन ऑलरेडी पोजेस अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट बिफोर इनकाउंटरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द टॉपिक. इट सर्व्स एज फाउंडेशन अपॉन विच न्यू लर्निंग इज बिल्ट. कि सबसे इसमें चीज़ें क्या आती हैं,
हैं, आपने पिछली इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए जो आप टीच करने जा रहे हैं क्या स्टूडेंट इस काबिल हैं या उनका मेंटल लेवल यहाँ तक है कि वो आपके नेक्स्ट वाले लेसन को, नेक्स्ट वाले टॉपिक को जो वो ईजीली अडॉप्ट कर सकें। तो उसके लिए आपने उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन पहले से वो क्या जानता है इस टॉपिक के बारे में। तो आप ये तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रायर नॉलेज में आती हैं। अब प्रायर नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो आपको उस टॉपिक तक ले जाएं। लाइक आप अगर इंटरनेट पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो प्रायर नॉलेज है उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि स्टूडेंट को हम इंटरनेट तक ला सकेंगे, विच मेथोडोलॉजीज वी वर यूजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड what is the main source of communication nowadays, आजकल हम क्या कर रहे हैं, ये तमाम इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो एंड में आके हम इंटरनेट पे आ जाते हैं कि हम आजकल जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट है। तो प्रायर नॉलेज चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पावरफुल जो पोर्शन है वो आपका प्रायर नॉलेज है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी क्लास को आपने कहाँ से स्टार्ट करके चलना है। लाइक आप यू आर टीचिंग अ टॉपिक, आप उस टॉपिक तक स्टूडेंट्स को लाकर उसके बाद आप उससे हाई लेके जाएंगे, मीन्स यू कैन से इट्स अ लोअर जो है वो लेवल ऑफ थिंकिंग से आप हाई लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। लाइक आप उनको उसके ऊपर का एक स्टेप बता रहे हैं लेकिन उससे पहले उनको पीछे का स्टेप जो है ना वो कवर करना आना चाहिए। सो दिस इज योर प्रायर नॉलेज। आफ्टर दैट प्रायर नॉलेज में इट कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। अब आप प्रायर नॉलेज चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स का, आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जिसके थ्रू योर स्टूडेंट्स इज एबल टू मूव अहेड। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसिस, पीछे जो उन्होंने पढ़ा था उसके बारे में आप कुछ इनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हुई थी, हमने इससे ये सीखा था, तो उसके बाद हमने क्या करना है। एंड देन पर्सनल एक्सपीरियंसिस, उनकी अपनी कुछ स्टोरीज जिनमें उन्होंने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हासिल किए या बैड एक्सपीरियंस हुआ, कोई ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो टॉपिक है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कभी सफ़र किया, आपने किन किन सोर्सेज के साथ सफ़र किया, इस तरीके से जो है वो आप उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को जानते हुए भी प्रायर नॉलेज में शामिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट रीडिंग्स, कि रीडिंग्स में क्या चीज़ें हैं, कि कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं आपने, दूसरों के जो ज़िंदगी है उनके बारे में आपने जाना, तो रीडिंग्स आपकी बहुत काम आती हैं प्रायर नॉलेज में कि आपने ये वाली चीज़ यहाँ पढ़ी थी, ये कोट किसकी है, इस तरीके से जो है इसका पर्पस क्या था, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दैट, तो दिस इज आल्सो द सोर्स। नेक्स्ट में डिस्कशंस, आपकी डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, आप मल्टीपल चीज़ें गैदर करते हुए अपनी जो मेन टॉपिक है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रायर नॉलेज, तो आप इन चीज़ों को फोकस करते हुए यू कैन जस्ट क्रिएट द प्रायर नॉलेज क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट मेक द स्टोरी, नॉट ओनली क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट क्रिएट अ स्टोरी, कुछ भी ऐसा करके आप स्टूडेंट्स को उनके टॉपिक की तरफ लेके आते हैं। तो टू चेक द प्रायर नॉलेज टीचर कैन फॉलो दीज टेक्निक्स। नंबर वन पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकते हैं टीचर्स, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट द सन, कैन यू डिस्क्राइब सम की कंसेप्ट ऑफ द मोरालिटी, एंड इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी आंसर हो सकता है अपने माइंड के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे दे कैन जस्ट डिलीवर एंड पास द आंसर्स। एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग, लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, गेटिंग देयर आइडियाज, दिस इज ऑल्सो, ये वाले टॉपिक्स आप एंड कर सकते हैं। इसके अलावा KWL चार्ट है, KWL चार्ट के बारे में जो है वो आपको पता है, आप अगर देखते हैं कि ये एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हुए जो है ना अपने नेक्स्ट चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो जो KWL नो वॉन्ट टू लर्न, और इसके बाद जो है KWL चार्ट को आप यूज़ करते हुए नेक्स्ट, सॉरी इट्स जस्ट टक हेयर, सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन हेयर, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जी। ये यहाँ पर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, KWL चार्ट इज़ द नो वॉन्ट टू नो एंड लर्नड, लर्नड भी बोलते हैं हम लोग, तो ये इसकी जो है वो स्टैंड्स फॉर है। एंड प्री असेसमेंट क्विजेज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं, एंड पिक्चर रिकॉग्निशन, कि कोई पिक्चर डिस्प्ले कर दें जो आपको आपके टॉपिक तक पहुंचा दे, और उससे पहुंचने से पहले जो स्टेप्स हैं उनकी कोई पिक्चर ऐसी शो कर दें कि स्टूडेंट जो है वो डिस्क्राइब करे, दैट इज़ ऑल्सो योर प्रायर नॉलेज। थिंक पेयर शेयर डिस्कशन ऑफ टू और मोर स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग कंक्लूजन्स, आप दो से ज़्यादा माइंड्स जब मिलते हैं तो बेस्ट वाला सोल्यूशन निकलता है, समटाइम एक ग्रुप जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सो दैट इज़ वाई यू जस्ट अप्लाई दिस टेक्निक एज वेल। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जिक्सा एक्टिविटी, डिवाइड स्टूडेंट्स इन टू ग्रुप्स एंड फोकसिंग ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक।
then conceptual questions pose questions that explore the fundamental concept of related to the topic. उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने प्रेजेंट करना ताकि जो आगे वाला टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को अगर पता होंगे तो देन यू कैन स्टार्ट इन एन इजी वे. व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, हाउ डू यू थिंक, ये चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं आप. फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का, द स्टूडेंट्स रिलेट द टॉपिक आम जो आपकी ज़िंदगी है ना, असली ज़िंदगी, उसके साथ रिलेट करते हुए चीज़ों को आप बना सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल स्मोक फ्रॉम डेली लाइफ. Then comparisons हैं, compare two concepts to reach the current topic. How is, किस तरह से होता है, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, comparisons कर सकते हैं. अब आती है आपकी explanation. अब आपकी जो explanation है उसमें क्या चीज़ें important हैं. Don't write the or don't solve any query in your explanation. Just make the algorithm what you are going to do. आपने करना क्या है, आप सिर्फ वो बताएंगे. आप explanation में completely question को solve करके नहीं दिखाएंगे lesson plan में. आप बताएंगे कि कैसे solve किया है, ये कैसे करेंगे. Teacher will solve this like this by using this resource, by using this technique. तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें, आपने सबसे पहली जो explanation में चीज़ है induction and contest. फिर आपकी है क्या, आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी, उसका पर्पस क्या है, यू आर गोइंग टू टेल देम. क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपका इस लेसन को पढ़ाने का पर्पस क्या है. देन माइंड मैप, मेन कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में, टॉपिक के बारे में उसका मेन कॉन्सेप्ट देना, और उसके बाद उसको बताना कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने कहाँ से ली, कैसे ले सकते हैं, मजीद कहाँ से ले सकते हैं, एवरी थिंग. विजुअल एड्स आप मल्टी मीडिया के थ्रू यूज़ करते हैं, आप कोई वीडियो दिखाते हैं, एवरी थिंग इज द इन एक्सप्लेनेशन कि आप किस तरह से, आपका काम है यहाँ पे, दिस इज योर मैजिक, यू आर गोइंग टू conduct the whole session, whole portion of this explanation through these steps. Step by step approach के आप एक topic को पढ़ाते हुए सबसे पहली definition, then उसके बारे में importance उसकी क्या है, उसके बाद उसके जो है वो parts कितने हैं और parts क्या क्या हैं. If you are going to cover in a one lecture, you can just do step by step approach. कनेक्शन टू द प्रायर नॉलेज, आपका प्रायर नॉलेज जो है वो इसके साथ मैच करे. ये नहीं है कि प्रायर नॉलेज में आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपका जो करंट जो आपकी एक्सप्लेनेशन है इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रायर नॉलेज. इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, इंगेज करना स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ों के साथ और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स ऐसे जिनमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होकर इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुन सकें. आपने ऐसे एलिमेंट्स को, आपको कहीं पर लग रहा है कि आपका टॉपिक बहुत बोर हो रहा है, बहुत ही बोरिंग हो रहा है, स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग पार्ट इन योर लेसन, सो यू जस्ट अडॉप्ट अदर टेक्नोलॉजी, अदर टेक्निक, आप उनको वीडियो के थ्रू दिखा दें. आपको ऑटोमेटिकली वैन यू डिज़ाइन योर लेसन, आपको पता होता है कि आपके इस लेसन में यहाँ पर आके एक बोरियत का साइन आ जाएगा. सो जस्ट ऐड समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि उनके माइंड जो है वो एक तरह की सिचुएशन से निकल के किसी और तरह से जा सकें. रेलिवेंस एंड एप्लीकेशन, आपकी रेलिवेंसी इज इम्पॉर्टेंट है, और आप उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ आते हैं. एड्रेसिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस, ऐसी तमाम चीज़ें डिस्कस करें जिनको लगता है कि अगर बाद में स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको उसके लिए प्रॉब्लम होगा. जैसे किसी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग है या कोई ऐसी टर्म है जो कि उसने पहले कभी नहीं सुनी बट उसको फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रही है. समराइजिंग फॉर रीकैप, आपने एक्सप्लेनेशन में इतना काम कर देना है कि अब सिर्फ आप रीकैप करें, आप मजीद एक्सप्लेन ना करें. आपने इतनी एक्सप्लेनेशन दे देनी है उसके अंदर कि आपको सिर्फ आप जो है समराइज करें रीकैप को. असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशन, उसके बाद आपकी असेसमेंट इवैल्यूएशन आपकी ड्यूरिंग लेक्चर भी हो जाती है. आपकी एक्सप्लेनेशन जो है जब आप कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग भी आपकी जो असेसमेंट है वो स्टूडेंट की हो जाती है. एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स के फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है उसको कि ये कितना कन्फ्यूज और कितना क्लियर है. सो दीज आर द मेन टूल्स टू just create the explanation. Don't write the whole sentences and whole answers and queries and solve the questions in explanation. Next is the activity. अब activities जो है वो हम कैसे design कर सकते हैं according to our subject होनी चाहिए. सबसे पहली बात ये है कि पहली activity आपकी यहाँ पर जो add की है group discussion. इससे बहुत अच्छे conclusions आएंगे. Participate in multiple groups. आपको सब groups का हिस्सा बनना है. Just create groups. आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बने एंड देन जस्ट डू एंड डू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन देयर. हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो स्टूडेंट्स खुद काम करेंगे, आप उनकी सुपरविजन करेंगे. डिजाइनिंग स्केचेस ऑफ द स्लाइड्स, आपने जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनको आपने इस तरीके से करना है कि जिसमें आप
आपके पास एक्टिविटीज़ मल्टीपल आ सकें, जैसे आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है वो आप ले आएँ, आप उसके अंदर कोई छोटा सा क्विज कर दें, आप उसके अंदर छोटी छोटी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और भी कर सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, आप छोटा सा दो करेक्टर्स बना के उनका डायलॉग बना सकते हैं और उन दो करेक्टर्स के साथ आप मतलब मल्टीपल क्लास को मल्टीपल स्टूडेंट्स को ज्वाइन करा के उनको एक लीडर के तौर पर कि एक इसके बारे में अच्छे पॉजिटिव कॉमेंट और इसी चीज़ की जो है ड्रॉबैक्स क्या है उसके बारे में बोल रहा है, तो ये भी आप करा सकते हैं। इंटरेक्टिव क्विजेज 5-5 4-4 3-3 क्वेश्चंस करा के यू कैन जस्ट क्रिएट अ क्विज एंड यू कैन जस्ट इन्वॉल्व द होल क्लास। एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हुए ना आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, ऑलवेज इंगेज ऑल द क्लास इन दैट, कि आपके तमाम स्टूडेंट्स, आपके हर लेवल का स्टूडेंट जो है ना वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रेन स्टॉमिंग सेशन डिस्प्ले द विजुअल क्लिप एंड इमेज। अच्छा, यहाँ ब्रेन स्टॉमिंग की मैं आपको एक चीज़ देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इंसान के माइंड में, बच्चे के माइंड में, लेकिन ब्रेन स्टॉमिंग के उन क्वेश्चन को निकालना कैसे, आपने उन क्वेश्चन को किस तरह से चलाना है वो इंपॉर्टेंट है। कि कोई एक पिक्चर दिखाई है, आप देखें कि हर बच्चे का पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट टुवर्ड द पिक्चर, हर बच्चा एक डिफरेंट स्टाइल से देखेगा उसको। सो वो जो चीज़ होगी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू कैन जस्ट विजुलाइज द ही विल विजुलाइज द थिंग्स एंड ही विल डेफिनेटली आफ्टर विजुलाइजिंग ही विल थिंक दैट आई एम राइट और रॉन्ग। यहाँ पर आके जो है वो बच्चा खामोश हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ मे बी इट्स रॉन्ग, दूसरा कुछ ज़्यादा बेटर सोच रहा है। तो आप हर स्टूडेंट को एक चांस दीजिए कि जस्ट विजुलाइज दिस पिक्चर, ये क्या है, आप हर एक को अप्रिशिएट करें। और सबसे बेस्ट अगर आपको मिल रहा है ना आंसर तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दें, लेकिन बाकी लोगों ने जिन्होंने आपको आंसर दिया या अपने व्यूज़ पेश किए आपको उनकी माइंड का पता चलेगा कि वट काइंड ऑफ नेगेटिविटी दे हैव, वट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, वट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी दे हैव इन देयर माइंड। तो वो तमाम चीज़ें आपको इनकी विजुअलाइजेशन जो है ना जो चीज़ें विजुअलाइज करेंगे उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा दैट वट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ब्रेन स्टॉमिंग ये चीज़ है, विजुअल प्रेजेंटेशन है, फिर डिबेट्स हैं छोटी छोटी करवा रहे हैं, जिक्सा एक्टिविटीज़ है, फील्ड ट्रिप और वर्चुअल टूर अगर आप किसी बाहर जगह पे नहीं ले जा सकते तो आप कंप्यूटर पे उसके रिलेटेड वीडियो ले आएँ और लाइट ऑफ करें, आप दिखाएं कि ये आप सपोज यू आर जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग द सेम थिंग जहाँ पे हमें जाना था, आप यहाँ बैठे हुए हैं, जुरासिक पार्क है, तो जुरासिक पार्क हम नहीं जा सकते तो वी कैन विजुलाइज द थिंग, वी कैन जस्ट अरेंज अ वर्चुअल टूर, आप बच्चों को वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन पे बहुत कुछ साउंड के साथ दिखा सकते हैं। तो दैट इज़ द हमारे पास बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग है आपकी, आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, थिंक पीयर शेयर है, गैलरी वॉक है एंड पीयर टीचिंग है, ये तमाम चीज़ें हमारी एक्टिविटी में आ सकती हैं। अगर आपको किसी भी एक्टिविटी में कोई भी कन्फ्यूजन है डू कॉमेंट मी, आई विल आंसर इंशाल्लाह ताला। आफ्टर दैट होमवर्क रूल्स, यहाँ पे हमारा होमवर्क का सेशन जो है वो आ जाता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि होमवर्क डिज़ाइन करते हुए ना हम लोग बहुत जान छुड़ाते हैं, समटाइम्स हम लिख देते हैं कि पेज नंबर ये इस तरीके से हमने नहीं करना, क्योंकि जितने इंटरेस्टिंग वे में या जितने इन्वॉल्व होकर आप बच्चों को होमवर्क असाइन करेंगे ना उतना ही इंटरेस्ट से वो आपका होमवर्क ख़त्म करेंगे। सो डिज़ाइन होमवर्क रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल, ऐसी चीज़ जो काम करें वो रेलिवेंट हो आपके सब्जेक्ट से, एंश्योर इट इज़ अचीवेबल विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम, आपने जो टाइम दिया है उसी में वो कम्प्लीट हो सके। बहुत ही ज़्यादा लंबा होमवर्क नहीं दें उनको, शॉर्ट सी चीज़ें दें लेकिन अच्छी क्वालिटी चीज़ें दें। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन, डायरी में अगर आप होमवर्क लिखवाते हैं तो आप पूरी इंस्ट्रक्शन दें कि आपने ये चीज़ इस तरीके से करनी है, नाउ सबमिट इस डेट को करना है, आपने किस वाली नोटबुक पे करना है, आपने इसको A4 पे करना है या आपने इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर प्रेजेंटेशन आपने बनानी है तो आपने मुझ तक कैसे पहुँचानी है, क्लियर ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर। फिर इनकरेज स्टूडेंट्स टू सीक हेल्प और क्लैरिफिकेशन इफ़ दे इनकाउंटर डिफ़िकल्टीज, स्टूडेंट्स को जो है वो आपने इनकरेज करना है ताकि वो जो है वो कोई भी आपसे चीज़ पूछते हैं उसमें ना वो एक हेजिटेशन ना फील करें। हम हमेशा वी ऑलवेज फील दैट आर स्टूडेंट फील हेजिटेशन इफ़ वी जस्ट स्नैप देम, हम उनको स्नैप कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। आपका स्टूडेंट अगर आपको गलत आंसर भी दे रहा है तो यू जस्ट वेरी गुड, इस तरीके से आपने दिया है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, दैट इज़ गुड, यू कैन जस्ट सिट डाउन। और मैं नॉर्मली आई ऑलवेज यूज़ द वे कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ के आंसर करें, मैं उनको खड़ा नहीं करती। आई डोंट नो इज़ इट राइट और रॉन्ग, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बच्चा रीडिंग भी बैठ के करे, क्योंकि जब एक बच्चे को आप स्पेशली खड़ा करते हैं ना
तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाते। आप उनकी सीट पे बैठे बैठे ना उनके कंफर्ट जोन में अगर उनसे आंसर जो है वो कलेक्ट करते हो, तो मेरा ख्याल है कि इट्स रियली गुड थिंग कि स्टूडेंट अपनी सीट पे बैठा, बस वो खड़ा होकर प्रोमिनेंट नहीं होना, उसको सिर्फ आवाज़ देनी है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा उसके बाद वो देखिएगा। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है कि मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको डर लगता था कि रीडिंग नहीं करनी है, तो मैंने ये तरीका किया कि सब लोग बैठ के रीडिंग करेंगे, मैं जिसको बोलूँगी वो बैठा रहेगा और रीडिंग करेगा लेकिन लाउड आवाज़ होगी, तो आज वो खड़े होकर रीडिंग करने में भी हेजिटेशन फील नहीं करते। तो मैं ये टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ, तो सजेस्ट कि अगर आप भी ऐसे करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे क्लास में स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये जो शाय फील करते हैं, जो प्रोमिनेंट होने से डरते हैं, वो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। आफ्टर दैट रिव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन द होमवर्क टू सपोर्ट देयर लर्निंग। आप उनका चेक करें, उनको प्रोवाइड फीडबैक उनकी दें, लाजमी दें, क्योंकि इनकरेजमेंट मिलेगी स्टूडेंट को। इट शुड नॉट बी ओवरवेलमिंग बट रादर अ वैल्यूएबल टूल टू री इन्फोर्स लर्निंग, इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। हर होमवर्क ऐसा होना चाहिए, कोशिश करें कि जिसमें एक दूसरे की चिटिंग ना कर सकें वो लोग, मीन्स के दे शुड जस्ट यूज देयर ओन आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशंस। इट शुड कॉम्प्लीमेंट वट वॉज कवर्ड इन क्लास एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसिस। एंड इसके बाद रैपअप। अब रैपअप के बारे में, रैपअप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपके स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, बट बेसिकली द रैपअप मीन्स वाइल यू रीकैप योर लेसन एंड वाइंड अप योर लेसन, जस्ट लाइक समराइज द लेसन, फ्लैश द स्लाइड्स टू रीकैप, एड्रेस एनी रिमेनिंग डाउट्स, इनक्लोजर विद अ पॉजिटिव नोट्स टू द पॉइंट सेशन। आपके रैपअप में ये चीज़ें आती हैं, समराइज करना है, आपने छोटा करके उसको पूरी चीज़ें क्लियर कर देनी है। यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द डिफिकल्ट ईजी एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन प्लान एंड इंपॉर्टेंस वाई दिस लेसन वॉज important for you today and what we have learned, and flash the slides to recap. आपके पास slides हैं तो आप एक एक slide को जल्दी से recap कर दें, और उसके बाद address any remaining doubt. आपको लगता है कि बच्चों को लगता है कोई भी कहीं कोई problem है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर stop करें and you just ask what is your doubt and teacher will clear it. Enclosure with positive note, उसको बहुत ही अच्छे positive words में ending हमेशा positive कीजिए। नेगेटिविटी से अगर किसी पे टोंट करके या किसी भी चीज़ पे करेंगे तो कभी भी आपको उसके बाद प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। सो मस्ट इनक्लोज इट विद पॉजिटिव नोट एंड टू द पॉइंट, सेशन शुड बी टू द पॉइंट। स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, यू कैन जस्ट इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द डिस्कशन वाइल यू आर रीकैपिंग, दैट मोस्टली स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट वाइल यू रीकैप द लेक्चर। दे विल डेफिनेटली इफ दे आर क्लियर इन देयर कॉन्सेप्ट्स एंड यू वर एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, so then they will participate definitely. So the next thing is your after wrap up होमवर्क टाइप्स कौन सी हो सकती हैं आपकी। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो सकता है, कोलैबोरेटिव एंड असाइनमेंट्स हो सकती हैं, डिस्कशन क्वेश्चंस हो सकते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऑल इन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं क्वेश्चंस को, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े नहीं, और ऐसी चीज़ें जो कि घरों में पड़ी हैं उनको छोटी दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए यू कैन जस्ट। राइटिंग टास्क हो सकते हैं, रीडिंग असाइनमेंट्स टू एक्सट्रैक्ट द कंक्लूजन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है इट्स अबाउट द AFL, जो कि हमारे टीचर्स को दो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एक असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग है। ठीक है, हमारा जो लेक्चर है वो दैट इज ऑन असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग, कि व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम, एंड हेयर आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दीज टू असेसमेंट्स, AFL असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग एंड AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो आपकी प्रायर नॉलेज तक आती है, लाइक यू आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड यू आर जस्ट वॉन्ट टू नो, यू जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वट आर द स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्टार्टिंग योर लेक्चर। तो वो प्रायर नॉलेज तक जो चीज़ होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, कि लर्निंग के लिए आपने असेसमेंट करनी है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रायर नॉलेज से क्वेश्चन स्टार्ट करके, दैट इज द पार्ट। असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग, कि आपने जो लर्न कर लिया आफ्टर द लेसन, आफ्टर द लेसन जो है वो असेसमेंट होगी, वो आपकी असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग होगी। तो हम जो अभी यहां पर AFL की बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग। तो ये असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग में हम क्या करते हैं, हमारी लेसन प्लान में एक
इसका बॉक्स है, इन एन एजुकेशनल अप्रोच दैट फोकस ऑन यूजिंग द ऑनगोइंग असेसमेंट टेक्निक्स टू गैदर फीडबैक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस. इट एम्स टू इन्फॉर्म टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद टाइमली फीडबैक टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इफ़ यू आर डिजाइनिंग क्वेश्चनिंग. अच्छा, यहाँ पर अगर आपने असेसमेंट करनी है स्टूडेंट्स की, यू कैन यूज द मल्टीपल टेक्निक्स एज वेल हेयर, लाइक क्वेश्चनिंग टेक्निक या एक विजुअल टेक्निक, जो भी आपको मैंने एक्टिविटीज में टेक्निक बताई है ना, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं टू जज द अंडरस्टैंडिंग, टू गेट द अंडरस्टैंडिंग आइडिया, टू टेक द आइडिया ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, किस लेवल पर वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो AFL असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, बट इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनियर और एन एक्टिविटी फॉर द AFL, keep in your mind that always just keep the students of all levels and all categories of the students and design the structure according to their level ke sab students ko understanding ho sake. ye na ho ke hum bahut tough aur bahut high level ke questions add kar dein. aap high level ke questions add kare but unki language ko thoda sa easy karna hai taki bacche ko bahut aasani se samajh aa sake. and if you are asking in class to bahut sare aise students hote hain jo aapki english ko understand nahi karte, so you just keep in your mind ke aapne unki terms ko thoda easy kar dena hai, aapne unse urdu mein pooch lena hai. That is the important thing to just enhance it. यहाँ पर ये दो काइंड्स मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, कि आप दोबारा से बताती हूँ. असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव जस्ट टीच, यू हैव टॉट एवरीथिंग, आप सब कुछ पढ़ा चुके हैं बच्चे को, उसके बाद आपने उसकी असेसमेंट करनी है, आपने देखना है कि बच्चे को कितनी समझ आई है आपकी. फ्रॉम और फॉर का है प्रायर नॉलेज तक, आपने कि आपने नेक्स्ट पढ़ाना है, आपने उनकी पीछे वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, द प्रीवियस इंफॉर्मेशन यू वांट टू नो, यू विल जस्ट डू इट. अभी यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो डिफरेंशिएशन है. यहाँ पर हम मुख्तलिफ क्लासेस को, मतलब लेवल स्टूडेंट्स के जो होते हैं उनको हम जज करते हैं पहले, और ये जजमेंट स्टार्ट होती है आपकी प्रायर नॉलेज से. आप प्रायर नॉलेज से ही जज करना शुरू कर देते हैं और आपके माइंड में एक स्केच बन सकता है कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लॉजिकली डील करता है. लॉजिकली डील करना कैसे है कि आपने अपने माइंड में एक स्केच बनाया है, बट यू आर नॉट शोइंग दैट वट काइंड ऑफ और योर स्टूडेंट्स आर इन द कैटेगरी ऑफ what is the category of your student in your mind. So don't show it but act it. आपने एक्ट ज़रूर करना है, बट ये ना दिखाएं कि ये जो चीज़ है ना इस तरीके से, ये वाला स्टूडेंट इस तरह से, तो मैं इस वजह से इससे पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ. सो डोंट डू दिस. आपने एक जो है ना लॉजिकली एक डिज़ाइन करना है स्ट्रक्चर, और उसके मुताबिक डिफरेंशिएशन होती है आपकी, जो कि आपकी प्रायर नॉलेज से स्टार्ट हो जाती है. कि स्टूडेंट डिफरेंशिएशन असेसमेंट इन्वॉल्व द कंसिडरिंग द डाइवर्स नीड एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट and tailoring the instruction accordingly, which just like important aspect should be covered in the differentiation. Differentiation is a total cover on the lesson plan, complete cover hai aapke lesson plan ke upar, jisme aap har tarah ke students har tarah ki cheez ko judge karte hain aur unke problem ko solve karte hain. aapko lagta hai ki aapki class mein teen categories hain, ek low level ke learning hai, ek jo hai wo हमारे पास मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, और एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं. तो आपने तीनों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैंडल द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ताकि वो बाकी क्लास को जो है वो एक कॉम्प्लेक्स में जो है वो नहीं जाने दें. तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी आपने हैंडल करना है, आपने जो है मीडियोकर स्टूडेंट को भी हैंडल करना है, एंड आफ्टर दैट आपका जो एक स्ट्रगलर है, जो कोशिश कर रहा है. अब इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, एंड दे आर नॉट टेकिंग पार्ट. आपने उनके इंटरेस्ट कैसे डेवलप करने हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ किस तरह से डिज़ाइन हो कि आपका वो स्टूडेंट जो कि क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके माइंड के मुताबिक आपको वो एक्टिविटी डिज़ाइन करके उसको स्टडी की तरफ लेके आना है. एंड आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वाली जो है, आपके पास एक स्ट्रगलर है, आप स्ट्रगलर के लिए किस तरह से स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं. यू आर द मास्टर ऑफ योर फील्ड, ऑलवेज जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एज शेक्सपियर सेड के जिंदगी एक स्टेज है, हम परफॉर्मर्स हैं. तो टीचर जो है वो एक परफॉर्मर है, उसको इस तरह से परफॉर्म करना है कि उसके जितने भी देखने वाले हैं वो सब उसके जो एक्टिंग है उससे मुतासर हो जाएं. तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपने इस तरीके का टीचर बनना है कि आपके तमाम स्टूडेंट्स आपसे हैप्पी हो जाएं, हर लेवल के स्टूडेंट को उसके लेवल पे डील करें, उस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन करें ताकि आपका 100% इन्वॉल्व आपके सामने आए, आप ला सकते हैं, एंड यू कैन डू इट. तो डिफरेंशिएशन ये चीज़ है. मैं डिफरेंशिएशन पे एक इंशाल्लाह ताला आई विल मेक अ वीडियो, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक अ वीडियो, आई एम नॉट प्रॉमिस नहीं कर रही, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं किस तरह की डिफरेंशिएशन हो सकती है मैं वो आपको शो करूँ. तो
आपने हर कैटेगरी को जो है ना इसमें सोल्यूशन करना है, तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स कि ये फील किया, उसके बाद आपने उनको किस तरीके से सॉल्व किया, आपने अपना मेथड चेंज किया, आपने मोर एक्टिविटीज़ ऐड की, आपने क्या किया, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशनिस्ट जो हमारे टीचर हैं उनका सबसे बड़ा स्किल यही होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स उनको सुने, क्योंकि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स आर नॉट गुड लिसनर्स, सो डोंट थिंक अबाउट इट कि आपके स्टूडेंट आपको सुनते नहीं हैं, डोंट डू दिस। नेक्स्ट में चले जाते हैं हम, और यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंशिएशन थोड़े से आइडियाज़ दिए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है यहाँ पे कि आपने कितना अचीव किया है। असेस द स्टूडेंट एबिलिटी, आपको आप जज कर सकते हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ग्रुप ग्रुपिंग स्ट्रैटेजीज, वेरियस टेक्निक लाइक मेथड टू कैटेगराइज डेटा, ऑब्जेक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, वेरिड कंटेंट, वेबसाइट्स, एजुकेशनल मटेरियल एंड मल्टीपल वेज टू टीच, मल्टीपल इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स विच इंस्ट्रक्शन मटीरियल इज बेनिफिशियल फॉर दैम। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट, एडजस्टेड डिफिकल्टीज, उनकी जो डिफिकल्टीज इनको एडजस्ट आपने किया, मॉडिफिकेशन की, चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लर्निंग टास्क, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स टू मीट द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल नीड का मतलब ये है कि आपके वो स्टूडेंट, एक दो या दो स्टूडेंट जिनके साथ आपको लगता है कि उनको वो आपकी क्लास में मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर वे of teaching or the behavior of the students and the behavior of that individual, ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरे स्टूडेंट का रवैया उनके साथ कैसा है, उनका अपना रवैया अपने बारे में कैसा है, एंड योर व्यू आपके साथ बारे में आपके साथ कैसा रिस्पॉन्सिव है, तो ये आपने एडजस्ट करनी है डिफ़िकल्टीज जो मैंने आपको बताया कि विद द मोडिफिकेशन, विद द लिटिल मोडिफिकेशन बाय रीडिंग देयर माइंड्स, यू नीड टू जस्ट डिज़ाइन द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली। सपोर्टिव मटीरियल है आपके पास, आपने जो एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ करें उनको समझाने के लिए, आपने हैंड्स आउट्स दे दें, आप उनको कंटेंट दे दें, आप उनको लिंक्स दे दें जो कि जो उनका इंटरेस्ट है ना, आप उसके मुताबिक उनको डील करें। इट्स रियली इंटरेस्टिंग बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अकोमोडेशंस, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट बाय अडॉप्टिंग द यूनिक लर्निंग टेक्सटाइल्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एंड में आता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए टीचर को बहुत डिफिकल्ट लगता है टू राइट अबाउट देयर लेक्चर, उनको लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना हमारे, ये नेगेटिव चले जाएंगे। उनको लगता है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर सॉरी लेसन प्लान के लिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि वो तमाम लैक्स, वो तमाम कमियाँ जो आपके लेसन प्लान में रह गई थी, यू आर गोइंग टू कवर। आपकी एक चेकलिस्ट है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द स्टेजेस, आपकी तमाम, इट्स लाइक अ चेकलिस्ट ऑफ योर होल परफॉर्मेंस। द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी एडेड इन द क्रिटिकल इवैल्यूएशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियर, आपने जो सोचा था कि आप ये चीज करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस, वो हो गया, यू आर गोइंग टू राइट इन द क्रिटिकल इवैल्यूएशन दैट वी हैव डन दिस। एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल स्टेजेस, तमाम स्टूडेंट्स में जहाँ जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया था, वट वर योर एक्सपेक्टेशंस एंड वट यू हैव डन एंड वट इज द रिफ्लेक्शन आफ्टर द लेसन, ये दिस इज अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल स्टेजेस, दैट द स्टूडेंट्स वर 100% इन्वॉल्व इन ऑल द स्टेजेस, एंड इफ नॉट इन्वॉल्व देन वट वॉज द रीजन, डू राइट इट। रेलिवेंट एक्टिविटीज वर डन, आपकी एक्टिविटी कुछ बाहर से नहीं थी, दैट ऑल वर रिलेटेड टू योर टॉपिक एंड यू डिड एक्सीलेंटली, एंड सीक्वेंस एंड प्रॉपर टाइमिंग, आपने तमाम सीक्वेंस को फॉलो किया है। अगर आपने कहीं नहीं किया या आप किसी एक मसले में फंस गए, लाइक आपका एक स्टूडेंट जो है वो बीमार हो जाता है क्लास के दौरान, उसको कोई मसला हो जाता है या किसी बात पे वो आपसे डिबेट कर लेता है, तो आपका टाइम तो चला गया। सो वहाँ पर क्या मसला आया था आपको, यू जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम कि यहाँ पर ये स्टेज को मुझे ज़्यादा टाइम लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द वन स्टूडेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही वॉज आई वॉज ट्राइंग टू क्लियर हिज कॉन्सेप्ट, और मैंने उसके बाद उसको ब्रेक का टाइम दिया कि जस्ट कम टू मी, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स, जस्ट कम टू मी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर एंड वी विल सॉल्व इंशाल्लाह, किसी को अनसॉल्व मत छोड़ें। सो दिस इज यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपने जितने भी रिसोर्सेज यूज किए वो आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज किए, लेकिन
आपके रिसोर्स के दरमियान में अगर आपकी लाइट चली गई थी तो उसमें आपका कसूर नहीं था, इट वॉज जस्ट टेक्निकल फॉल्ट। और इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैंने जो लेसन प्लान में रिसोर्स का मैंशन किया था आई वॉज अनएबल टू यूज़ दैट, सो दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो द यूज़ ऑफ रिसोर्स कनेक्शन टू द प्रायर नॉलेज। मैंने जो पीछे वाले क्वेश्चन पूछे हैं मुझे लगा कि इसमें कुछ बेटर हो सकता था ये वाला, बट मैंने इसको अगर ये क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ की है द रीज़न इज़ कि मुझे लगता था कि इन वाले क्वेश्चन से मैं बच्चे को उस टॉपिक तक ला सकती थी, दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ, एक या दो स्टूडेंट्स ने अगर आपको डिस्टर्ब किया तो उनकी रीजन्स ज़रूर लिखिए नीचे। ये आपका सेफ साइड है, क्रिटिकल इवेल्युएशन इज योर सेफ साइड, यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग इन योर लेसन प्लान इफ यू फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपके लेक्चर में ये चीज़ हुई है, इट्स अ रिटन जस्ट यू कैन से द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर लेसन प्लान और योर लैक्स एंड योर सक्सेस। फ्लेक्सीबिलिटी, मेरे लेसन प्लान में मैंने एक एक्टिविटी प्लान की बट उसके रिसोर्सेज ऑन द स्पॉट मुझे नहीं मिले तो क्या हुआ, मुझे उस टेक्निक को चेंज करना पड़ा। मेरा लेसन प्लान इतना फ्लेक्सिबल था कि मैंने वो रिसोर्सेज का जिक्र किया था कि अगर मुझे ये अवेलेबल होंगे तो आई विल यूज़ इट एंड अदरवाइज आई विल यूज़ इट इन द नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट पीरियड। सो मैंने यहाँ पे इसको जो है वो अल्टरनेट ये चीज़ें यूज़ की, तो फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर। मेरे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट भी दो या तीन क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मुझे आंसर से, जब स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं आई कैन गेट दैट आइडिया, मुझे वहाँ से मिल सकता है तो आई कैन डू दैट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, कि आपके लेसन की रिफ्लेक्शन क्या है और इम्प्रूवमेंट आपको क्या लगता है कि हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट्स विल इम्प्रूव आफ्टर लिसनिंग यू, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, आफ्टर द डिफरेंशिएशन एक्टिविटीज, आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ योर टेक्निक्स। तो ये तमाम चीज़ें आपकी क्रिटिकल इवेल्युएशन में आती हैं एंड हाई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर और मैंने इतनी मेहनत से ये लेसन प्लानिंग तैयार किया है ताकि जितने भी मेरे टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, उनको लेसन प्लान बनाने में आसानी हो। एंड आई विल इंशाल्लाह ताला अपलोड अ मॉडल एंड क्राफ्टेड लेसन प्लान, बहुत अच्छा सा मैं एक बना के अपलोड करूँगी, बट कब करूँगी इट्स नॉट अ प्रॉमिस, मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ अदर हैं तो जो है वो उनके होते हुए आई विल ट्राई टू डू इट। तो मैं सिंपल से टीचर्स को और अपने सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी, अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव बनाइए। कोई इदारा हमें क्या देता है ये मत सोचें, हम इदारे को क्या देते हैं ये सोचें, एक दिन वो इदारा आपको ज़रूर ऑनर करेगा और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा ज़िंदगी में। और हमारी वर्क प्लेसेस पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं और ये डिस्करेजमेंट जो होती है ना ये इंसान को इनकरेजमेंट की तरफ लेके जाती है। आई ऑलवेज़ फील हम दो तरीके से गिर जाते हैं, एक हम अगर हिम्मत हार दें और दूसरा अगर हम हर बात का जवाब देना शुरू करते हैं। कभी कहते हैं ना कि हमारे सामने हम कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में इग्नोरेंट पीपल कहते हैं कि उनको कुछ नहीं पता दे, तो हमें उन कुछ नहीं पता वाले लोगों को भी जानना होता है ताकि हमें ऐसे लोगों के बारे में पता चले कि जो आपको डिस्करेज करें, और आपको पता चलना चाहिए डिस्करेजमेंट क्या होती है तभी आपको इनकरेजमेंट का पता चलेगा। जैसे कि रात नहीं होती तो दिन का पता कभी भी नहीं चलता। सो जिस जगह पर भी आप हैं अपना बेस्ट दें, अपनी ज़िंदगी को जो है वो एक पॉजिटिव पर्पज़ की तरफ लेके जाएँ। ज़िंदगी में हज़ारों दुख हैं लेकिन उन दुखों के को जो है वो सीढ़ियाँ बनाएँ अपनी, ताकि आप बहुत ही बुलंदी भी पहुंच सकें और अपने मकासद को अचीव कर सकें। ज़िंदगी में पॉजिटिव पर्पस रखें, कुछ चेंज करने का ठान लें। अगर नहीं भी कर सकेंगे तो आपको खैर इतना नहीं होगा कि आप ये सोचें कि आपने कोशिश नहीं की थी, तो अपनी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का निगेबान हो और हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी जो है वो मकासद के साथ ज़िंदगी गुजारने का चांसेस दें। अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको जो है इसमें कितने बेनिफिट्स मिले, एंड सेकेंडली अगर आप किसी चीज़ से किसी से बेनिफिट लेते हैं या आप किसी की वीडियो देखते हैं या और आप उसको यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट एक कमेंट या लाइक तो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल इस तरह से शो करें कि हमने कभी आपको देखा नहीं, आपको सुना नहीं, क्योंकि आइडिया तो हो जाता है। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।